नमस्ते, ग्रीन यार्ड में आपका स्वागत है। आज हम नवरात्र पर फास्टिंग के लिए फलाहार के लिए एप्पल का खीर बनाने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए बनाना शुरू करते हैं। आवश्यक सामग्री: एप्पल आधा केजी, चीनी 100 ग्राम, काजू, किशमिश और कुछ इलायची, दूध, जब तक हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक हम उधर एप्पल का छिलका उतार लेंगे। सभी एप्पल का हमने छिलका उतार लिया है, अब इसको कद्दूकस कर लेंगे। बीज वाला साइड आने से पहले इसको हम पलट लेंगे ताकि बीज हमारा इसमें मिक्स ना हो। हमने सारे एप्पल का कद्दूकस कर लिया है। इसको बहुत देर पहले कद्दूकस करके नहीं रखना है क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है तो ये काले हो जाएंगे, इसलिए इसको जितना जल्दी हो सके यूज कर लेना है। पैन में हम एक चम्मच शुद्ध घी डालेंगे, कद्दूकस किया हुआ एप्पल डालना है। ज़्यादा फ्लेम तेज नहीं रखना है, नहीं तो ये अंदर से जल जाएगा। बहुत ही कम फ्लेम पर इसको धीरे धीरे पकाना है। इसको धीमे तौर पर 10 मिनट के लिए पकाना होगा क्योंकि इसको डायरेक्ट अगर आप दूध में डाल देते हैं तो दूध फट जाएगा, इसलिए इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। इसको अलग से थोड़ी देर फ्राई करें मीडियम फ्लेम पे। आप देख सकते हैं हमारा दूध का गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और फिर थोड़ा देर और इसको हम गाढ़ा करेंगे। तब तक हमारा उधर एप्पल भी फ्राई हो रहा है। तब तक हम अपने काजू को थोड़ा चॉप करके रख लेते हैं जब तक हमारा एप्पल फ्राई हो रहा है और उधर दूध भी हमारा गाढ़ा हो रहा है। मॉइस्चर खत्म होने तक हमको इसको फ्राई करना है। जब लगे आपको कि एकदम अच्छे से सूख गया है तभी इसको बंद करना है, फ्राई करना। बिल्कुल हमारा ये मिक्सचर सूख चुका है। अब इसको हम गाढ़े किए हुए दूध में डाल देंगे। हमारा खीर बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक बना है। अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है तो आप चीनी की जगह सैक्रीन की गोली इस्तेमाल करके इस खीर को खा सकते हैं। हमारा खीर तैयार हो चुका है। अब इसमें हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। इसके बाद आप ऊपर से इलायची को डाल दीजिए और थोड़ा देर ठंडा होने के बाद इसको सर्व करिएगा। इससे इसमें खुशबू आ जाएगी इलायची की और खाने में बहुत यम्मी लगेगा। फास्ट में इस तरह का खीर बनाकर आप अपने घर में जरूर ट्राई करें। अच्छा लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।